मंडी में सब्जी व्यापारी गंदगी से परेशान, मंडी अध्यक्ष पर लगाया लापरवाही के आरोप। शिवपुरी की सब्जी मंडी में किसान और जनता तो मंडी में फैली गंदगी से परेशान थे, लेकिन अब मंडी के व्यापारियों में भी मंडी में फैली गंदगी के चलते गुस्सा फूट रहा है। यहां व्यापारियों ने नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मंडी अध्यक्ष पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि मंडी पहुंचने वाले किसान और छोटे सब्जी व्यापारी हर रोज आकर मंडी में फैली गंदगी की शिकायत हमसे करते हैं। किसानों की शिकायत की बात हमारे द्वारा कई बार मंडी के अध्यक्ष से की, लेकिन मंडी अध्यक्ष ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद कई बार नगर पालिका को गंदगी साफ कराने के आवेदन दे चुके हैं, इसके बावजूद भी नगर पालिका का कोई भी सफाई कर्मी यहाँ सफाई कराने नहीं पहुंचा। साहब, मंडी के अंदर बहुत काफ़ी गंदगी हो रही है। मंडी की हालत देखे जाए तो इतना परेशान हो रहा है हम लोग, ना तो कोई मंडी वालों की सुनवाई है ना मंडी अध्यक्ष की। मंडी के अंदर इतनी गंदगी है, ग्राहक आने के लिए भी परेशान है। आप देख सकते हैं ऐसे इतनी बड़ी बीमारी चल रही है डेंगू की। कब से हो रही है ये गंदगी? करीब 4-5 दिन से हो रही है। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? शिकायत करी मगर कोई उपाय नहीं है, ना किसी का मंडी जो कर्मचारी आते हैं ना उनके कोई लाभ है हमारे। 181 वगैरह लगाई आपने? नहीं, 181 लगाई थी कल लगाया था, उनसे भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ। नगर पालिका कोई आवेदन वगैरह दिया? कोई नहीं आए, उनसे भी कहा वो भी नहीं आए कि कीचड़ ज़्यादा आए कि हम नहीं कर पाएंगे। आवेदन नगर पालिका में दिया आपने? नहीं, आवेदन नहीं दिया। अच्छा, कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं मंडी की इधर सफाई करने कोई कर्मचारी कोई सफाई कोई नहीं आते? पानी भी गिरा उस दिन से झाड़ू भी नहीं लग रही है। वैसे झाड़ू लग जाती है मगर जिस दिन से पानी गिरा उस दिन से पानी की झाड़ू भी नहीं लग रही है।